हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आईपीएल इतिहास का सबसे तेज गेंद फेंकने वाला टॉप 3 गेंदबाज के बारे में। तो टॉप 1 में आता है शॉन टेट। जब भी क्रिकेट में स्पीड की बात की तो सभी के जहन में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट का, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। शॉन टेट ने अपनी तेज गेंदबाजी का करिश्मा आईपीएल में दिखाया है। उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते हुए साल 2010 में 157.7 प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो भी आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद होने का रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरे नंबर पर आते हैं लॉकी फर्गुसन। लॉकी फर्गुसन दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। वे आईपीएल में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए इस साल आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद 157.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी, जो कि गोली की रफ्तार से की गई। अब अगले सीजन में एक बार भी लॉकी अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी केकेआर की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट में तीसरे नंबर पर आता है टॉप 3 उमरान मलिक। उमरान मलिक भारत के तेजी से उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं। वह इस समय गोली की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसका उदाहरण हमें पिछले आईपीएल सीजन में देखने को मिला था। उन्होंने आईपीएल में कई मैचों में 150 से ज़्यादा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। उन्होंने इस साल आईपीएल में आईपीएल के इतिहास की तीसरी सबसे तेज गेंदबाज 153.63 फेंकी थी। उनकी तेज रफ्तार की गेंदों के कारण ही उन्हें आईपीएल की फ्रेंचाइजी हैदराबाद ने इस साल रिटर्न कर लिया है।